बिहार की राजनीति में देवी देवताओं की एंट्री बड़ी तेजी से हो रही है। मुजफ्फरपुर की रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की छठी मैया वाले बयान पर नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी ने दुर्गा जी का नाम लेकर बड़ी बात कही है। जदयू नेता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू यादव के बचाव में अमित शाह के बयान पर पलटवार किया है। रविवार को मुजफ्फरपुर पताही हवाई अड्डे पर किसानों की रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा था कि हे छठी मैया, इस बार बिहार की जनता को जंगल राज और पलटू राम से मुक्ति दिलाइए। अमित शाह बिहार की सरकार को नियंत्रित करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव का इतिहास खंगाल रहे थे। उन्होंने नीतीश कुमार को बार बार पलटू राम बताया। हाजीपुर में पत्रकारों ने भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी से जब इस पर सवाल किया तो उन्होंने अमित शाह पर बड़ा हमला किया। पलटवार करते हुए अशोक चौधरी ने कहा कि सवाल के जवाब में अशोक चौधरी ने हाथ जोड़कर कहा कि हम दुर्गा माता से प्रार्थना करते हैं कि उनको समाप्त कर दें। जिस तरीके से माता रानी ने महिषासुर का वध किया, इस तरीके से इन सब लोगों का कल्याण कर दें। इशारे में उन्होंने बीजेपी नेताओं को राक्षस बता दिया, उनके कल्याण के लिए दुर्गा माता से प्रार्थना भी कर ली। अशोक चौधरी के इस बयान की चारों ओर चर्चा हो रही है। अमित शाह के बार बार बिहार में आने पर अशोक चौधरी ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर है, पार्टी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, इसीलिए बड़े नेता बार बार बिहार का दौरा कर रहे हैं, लेकिन उनकी मेहनत का कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। जदयू नेता ने दावा किया कि अगले चुनाव में बिहार में बीजेपी का खाता भी नहीं खुलेगा। जनता बीजेपी को नकार चुकी है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए सहारा समय डिजिटल।